नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर चाइना ताइवान को क्यों कैप्चर करना चाह रहा है। आप लोगों ने ये न्यूज़ देखी होगी, ये द हिंदू का एक स्क्रीनशॉट है। चाइना सेंक्शंस नैन्सी पेलोसी ओवर ताइवान विजिट। चाइना ने नैन्सी पेलोसी पे सेंक्शन लगा दिया है। भाई हम देखते हैं कि अभी करेंट में क्या ऐसा हो गया, डेवलपमेंट हो गया कि चाइना ताइवान पे इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। यूएस की एक हाउस कीपर हैं नैन्सी पेलोसी, इन्होंने अभी हाल ही में ताइवान का विजिट किया, जिससे चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और उसने ताइवान पे बैलिस्टिक मिसाइल से कुछ फायर कर दिए। और इसका जब वर्ल्ड ने विरोध किया तो चाइना ने इसे कहा कि यह हमारा इंटरनल मैटर है, आप इसे दूर रहें। ताइवान के बारे में आप ये देख सकते हैं कि ताइवान और चाइना ताइवान स्ट्रेट से अलग होते हैं। चाइना मेनलैंड चाइना और ताइवान के बीच में ताइवान स्ट्रेट है, जो कि लगभग 160 किलोमीटर का डिस्टेंस रखता है। ताइवान की कैपिटल है ताइपेई सिटी। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 2.36 करोड़ और यहाँ का एरिया है 36,000 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ का करेंसी है न्यू ताइवानियन डॉलर। आइए हम देखते हैं एक ब्रीफ हिस्ट्री, ताइवान की एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। ताइवान पहली बार रिकॉर्ड में आया झोउ डायनेस्टी के अंतर्गत, और झोउ डायनेस्टी के राजाओं ने एक एक्सपीडिशन भेजा। एक्सपीडिशन आप कह सकते हैं कि एक फौजी दस्ता भेजा जिन्होंने ताइवान को स्पॉट किया। और 17वीं शताब्दी में ताइवान डच कॉलोनी बन गया था। 17वीं शताब्दी में ताइवान डच कॉलोनी बन गया, जो कि 1624 से 1661 तक डच कॉलोनी के अंडर में ही ताइवान रहा। आप ये देख सकते हैं, ये एक मैप डच लोगों के द्वारा बनाया गया एक मैप है। उन्होंने जब ताइवान को पहली बार खोजा तो उसे नाम दिया इला फार्मोसा। डच लोगों ने जब ताइवान को पहली बार देखा तो उन्होंने इसे नाम दिया इला फार्मोसा, जिसका नाम होता है ब्यूटीफुल आईलैंड। और 1683 में ताइवान क्विन डायनेस्टी के अंतर्गत में आ गया। 1683 में ताइवान क्विन डायनेस्टी के अंडर में आ गया, जो कि चाइना की ही थी। ये क्विन डायनेस्टी के एक शासक हैं और ये इस दौरान क्विन डायनेस्टी के शासन के दौरान बहुत सारे चाइनीज लोग माइग्रेट करके ताइवान गए, और उनमें से अधिकतर हक्का चाइनीज थे। आपने देखा सुना होगा हक्का नूडल्स, यही लोग जिस नूडल का उपयोग करते थे, उसे बनाते थे, खाते थे, वह हक्का नूडल्स होता था। और ये रूल क्विन डायनेस्टी का रूल 1683 से 1895 तक लगातार चलता रहा, इसमें ताइवान में कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन 1895 में चाइना और जापान के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें चाइना जापान से हार गया और ताइवान जापान के अंडर में चला गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान, आपने जानते ही होंगे आप कि जापान हार गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, और फिर से चाइना ने उसे ताइवान के ऊपर कब्जा कर लिया और ताइवान और मेनलैंड चाइना को नाम दिया गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप था और इसका मिलिट्री डिक्टेटर का नाम था चियांग काईशेक। ये आपके सामने ये फोटो है, ये चियांग काईशेक हैं और इनकी ये पार्टी का नाम था नेशनलिस्ट पार्टी। चियांग काईशेक की पार्टी का नाम था नेशनलिस्ट, मतलब एक राष्ट्रवादी पार्टी थी जिसका नाम था कोमिंतांग। चियांग काईशेक की पार्टी का नाम कोमिंतांग था, यह नेशनलिस्ट पार्टी थी। लेकिन इनका एक चूंकि मिलिट्री डिक्टेटरशिप था, इसलिए वहाँ पे पूरी तरीके से अनरेस्ट था, अनहैप्पीनेस और सिविल वार जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी चाइना में। और इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण चाइना में एक लीडर थे माओ जेदांग, जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे, ये बहुत तेजी से फेमस हो रहे थे। अब माओ जेदांग इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि उन्होंने अपनी एक आर्मी खड़ी कर ली जिसका नाम था रेड आर्मी, और रेड आर्मी और चियांग की आर्मी के बीच में युद्ध हुआ 1949 में। और 1949 में युद्ध हुआ और रेड आर्मी और चियांग काईशेक के बीच में, उसमें से माओ की रेड आर्मी जीत गई और उन्होंने इसको नाम दिया रिपब्लिक ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। पहले नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि चियांग के अंदर में था,
अब माओ जेदांग के अंतर में रिपब्लिक ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम दिया गया। आप इसमें मैप में देख सकते हैं, पहला इनका युद्ध हुआ नानकिंग में, नानकिंग से चियांग काई शेक भागे कैंटोन में, कैंटोन से भाग के गए चेंगडू में, चेंगडू से कुछ लोग सिचांग चले गए, लेकिन उन चियांग काई शेक यह भाग के ताइवान और ताइवान ताइपेई की ताइवान की राजधानी ताइपेई में चले गए। लेकिन वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ कई लोग गए थे। अब वहाँ ताइवान एक ऐसा आइलैंड था जो कि कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस से पूरी तरीके से फ्री था, वहाँ पे कोई भी कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस नहीं था और वहाँ पे पर्याप्त रूप से रिसोर्सेस मौजूद थे। और चूंकि वो जापान के अंदर में था, 1895 से 45 तक आप मान सकते हैं, 1945 तक जापान के अंडर में था, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार गया तो ये फिर से चाइना के अंदर में चला गया। इस दौरान जापान ने वहाँ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर जापानीज लोगों ने वहाँ पे पर्याप्त रूप से बिल्ड कर दिया था अपनी टेक्नोलॉजी के अनुसार। और आप ये जानते होंगे 19वीं शताब्दी में जापान में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हो गया था, इस कारण से ताइवान बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया था चाइना की अपेक्षा, तो उसका फायदा मिला चियांग काई शेक को। अब चियांग काइशेक वहां अकेले भाग के नहीं गए थे कि वो खुद बैठे भाग के चले गए, चियांग काइशेक अपने साथ लगभग 15 लाख लोग उनके साथ गए, पूरे एयरफोर्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एयरफोर्स गई, रेडियो स्टेशन और 774 बॉक्सेस ऑफ गोल्ड भी साथ में वो अपने ले गए। बेसिकली उनसे जितना बन पड़ा वह चाइना से ले गए, लाइब्रेरी वगैरह भी साथ में ले गए थे। और वहां पे एक गवर्नमेंट स्थापित की, चाइना में एक गवर्नमेंट स्थापित की। आप ये देख सकते हैं ये एयरफोर्स के सैनिक हैं जो कि चियांग काईशेक के सम्मान में खड़े हुए हैं। चियांग काईशेक क्या क्या ले गए, लगभग साथ में 1.5 मिलियन लोग गए, 1.5 मिलियन लोग साथ में गए, आर्टिफैक्ट्स, फ्यूल, कार, गोल्ड, एम्यूनेशन, रेडियो स्टेशन, वुड, एयरफोर्स क्लॉथ, बूट्स, जो बोट्स जो भी उनसे बन पड़ा वो अपने साथ सब ले गए, जो कि गवर्नमेंट चलाने के लिए जरूरी था। अब ये युद्ध 1949 में हुआ था। अब 1950 के दशक में दो चाइना थे, विश्व में दो चाइना थे, एक का नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना, दूसरे का नाम था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना चियांग काई शेक के लीडरशिप में था जो कि एक अथॉरिटेरियन लीडरशिप थे, ये तानाशाह थे, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना माओ जेदांग के लीडरशिप में था, यह एक कम्युनिस्ट नेता थे। अब इस बीच में, इन दोनों के बीच में, रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की होड़ मच गई और इनके लेजिटिमेसी के लिए, मतलब इनको विश्व स्तर पे मान्यता प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच में होड़ मच गई। अब इसी बीच 1954-55 के आसपास वेस्टर्न कंट्री ने ताइवान को चाइना का ही एक अंग माना, वेस्टर्न कंट्री ने कहा कि ताइवान चाइना का ही एक अंग है, ताइवान को अलग से कोई राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। अब 1954 में एक पहला फर्स्ट ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हो गया। इसमें क्या हुआ था कि दो आइलैंड हैं, एक है मोत्सू और दूसरा है किनमेन, जो कि ताइवान के ही आइलैंड है। इन पे ताइवान के शासक ने बहुत सारे ट्रूप्स तैनात कर दिए, जिसके रिस्पांस में माओ जेदांग ने बमबारी या हमला कर दिया और उन्हें हरा दिया। ऐसा दो बार ताइवान स्टेट क्राइसिस दो बार घटित हुआ था यही 50 के दशक में। अब 1960 और 80 के बीच में भले वहाँ पे ये मिलिट्री क्राइसिस चल रहा था, लेकिन मिलिट्री टेंशन चल रहा था ताइवान में, लेकिन 1960 से 80 के दशक में ताइवान की इकोनॉमी ने एक बूम देखा, जो जिसका रीजन क्या था, वहाँ पे मिलिट्री रूल था, जैसे भी चाइना में है। चाइना में क्या है कि एक ही पार्टी रूल कर रही है, वो जो चाहते हैं वो अपने लोगों से करवा लेते हैं, वही ताइवान में था, वहाँ पे मिलिट्री रूल था और वह अपने वर्कर का पर्याप्त रूप से एक्सप्लॉयटेशन कर सकते थे। इस कारण वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ खुली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को सस्ता रोजगार दिया गया और वहाँ की इकोनॉमी में बूम देखा गया। 1971 में यूनाइटेड नेशन ने चाइना को, मेनलैंड चाइना को यानी बीजिंग को ही रिकॉग्नाइज किया मेन चाइना के रूप में। और 1975 में चियांग काईशेक की डेथ हो गई, एक साल बाद माओ जेदांग की भी डेथ हो गई, और माओ जेदांग के बाद
साइजोपिंग जो जाई इनका नाम मुझे नहीं लेना आ रहा है, जाओपिंग जाओपिंग लीडर बने और उन्होंने चाइना को माओ जेडांग के बाद जाओपिंग लीडर बने चाइना के और उन्होंने चाइना की इकोनॉमी को विश्व के लिए ओपन कर दिया, जिसके बाद चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से गति पकड़ने लगी। अगले 10 साल शांति के रहे, दोनों के बीच में रिलेशन इम्प्रूव हुए, ताइवान और चाइना के बीच में रिलेशन इम्प्रूव हुए, लोगों को एक दूसरे के देश में आवाजाही की छूट दे दी गई, ये सारी इम्प्रूवमेंट चलती रही, मतलब अक्रॉस द स्ट्रेट ट्रेड भी इनका इम्प्रूव हुआ। लेकिन इस दौरान ये जो 1945 से 1970 के दशक के दौरान ये जो इनके बीच में जो कल्चरल खाई उत्पन्न हो गई थी, सांस्कृतिक खाई उत्पन्न हो गई थी, वह वर्ष होती गई, वह और ज़्यादा गहरी होती गई। ताइवान के लोग खुद को चाइनीज की जगह ताइवानीज अपने को कहलवाना पसंद करने लगे, अपनी की आइडेंटिटी वह ताइवानीज बताना पसंद करने लगे। पहले वह चाइनीज थे लेकिन वह खुद को ताइवानीज के रूप में आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिए। 1992 में एक मीटिंग होती है दोनों देशों के बीच में, ताइवान और चाइना के बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें वह वन चाइना के लिए दोनों एग्री कर जाते हैं, लेकिन यह एक वर्बल कंसेंसस था, कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं था, यह एक वर्बल कंसेंसस था जिसका इंटरप्रिटेशन दोनों देशों ने अपने अपने तरीके से किया। चाइना का जो वन चाइना था उसका मतलब था कि ताइवान बोथ साइड ऑफ स्ट्रेट बिलोंग टू बीजिंग, मेनलैंड चाइना को ही ताइवान बिलोंग करता है और वह नेशनल रीयूनिफिकेशन के लिए कोशिश करेगा, जो कि ताइवान इससे ताल्लुक नहीं रखता, ताइवान इससे अलग सोचता था, वह ये नहीं चाहता था कि ताइवान चाइना के अंडर में ही आ जाए। इस दौरान सन 2000 के दशक में ताइवान में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, वहाँ पर शेन सुईवान वहाँ के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, जिसे जो कि ताइवान को पसंद नहीं आया और इन्होंने ताइवान की इंडिपेंडेंस का भी समर्थन किया था। शेन सुईवान ने ताइवान की इंडिपेंडेंस का समर्थन किया था और ये डेमोक्रेटिक पार्टी थी इसलिए ताइवान को ये पसंद नहीं था। इसके रिजल्ट में ताइवान ने 2005 में एक एंटी सेसेशन ला लागू किया और कहा कि चाइना शुड यूज फोर्स टू कीप ताइवान, चाइना को फोर्सफुली ताइवान को अपने अंडर में ही रखना चाहिए। इसके बाद क्या होता है एक इम्प्रूवमेंट होता है कि 2014 में एक सनफ्लावर मूवमेंट न्यूज में आता है। सनफ्लावर मूवमेंट क्या था कि वहाँ पे व्यापार को लेकर वहाँ के कुछ क्लियरिटी नहीं थी, कुछ उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि चाइना और ताइवान के बीच में व्यापार कैसा चल रहा है, इसको लेके कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इसके लिए वहाँ के स्टूडेंट ने, ताइवानीज स्टूडेंट ने वहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया कि ट्रेड को चाइना के साथ रेटिफिकेशन मिलना चाहिए और उसके 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 मतलब अकॉर्डिंग जो भी हो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वह अथॉरिटेरियन कंट्री नहीं है। लेकिन चाइना अपनी मांग पे अड़ा रहा, वह रीयूनिफिकेशन की डिमांड करता रहा और इस दौरान वहाँ पे 2013 में शी जिनपिंग, चाइना के राष्ट्रपति नियुक्त किए जा चुके थे शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग एक महत्वाकांक्षी शासक हैं, उनका मेन लक्ष्य है कि टू रिवाइव चाइनाज हिस्टोरिकल ग्लोरी, वह चाइना की ऐतिहासिक जो ग्लोरी थी उसे वह रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन ताइवान वांट्स रिमेन इट्स डेमोक्रेसी, ताइवान अपनी डेमोक्रेसी कायम रखना चाहता है। अब शी जिनपिंग के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक बार और चाइना को झटका लगता है जब साई इंग वेन ताइवान की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाती हैं। 2016 में चाई इंग वेन ताइवान का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाती हैं और इससे भी बड़ा झटका चाइना को तब लगता है जब ये 2020 में फिर से इलेक्शन जीत जाती हैं, वो भी भारी मतों से।
अब इनसे चाइना को क्या दिक्कत है, यह चाइना की पॉलिसी की बहुत बड़ी क्रिटिक है। साई इंगवेन चाइना की पॉलिसी की बहुत बड़ी क्रिटिक है। आज की डेट में ताइवान एक सेल्फ रूल्ड आइलैंड है, इसका अपना झंडा है, इट हैज इट्स ओन फ्लैग, इसका नेशनल एंथम है अपना, इसकी अपनी करेंसी है, इसके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, और चाइना एक सुपर चिप सुपर पावर बन चुका है। आप ये न्यूज़ में पढ़ते ही होंगे, सॉरी, ताइवान चिप सुपर पावर बन चुका है। जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल हो, गूगल हो, फोर्ड हो, कोई भी कंपनी हो, उनका लिए चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक ही सेंटर है, वो है ताइवान। आप देखते होंगे मेड इन ताइवान, अधिकतर जितनी भी चिप हैं सेमीकंडक्टर का ये हब है ताइवान। अब देख लेते हैं ताइवान को विश्व में कितनी कंट्री रिकॉग्नाइज करती हैं। सिर्फ 14 ऐसी कंट्री हैं जो कि ताइवान को इंडिपेंडेंट देश के रूप में रिकॉग्नाइज करती हैं, और सिर्फ 14 ऐसी कंट्री। आप ये देख सकते हैं ये ब्राउन कलर में, ये ऐसे देश हैं जो कि सिर्फ चाइना को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही रिकॉग्नाइज करते हैं मेन चाइना के रूप में। और ये जो खाकी कलर में ये जो कलर हैं, ये जो देश हैं उसमें भारत भी सम्मिलित है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और लगभग पूरा दक्षिण अमेरिका सम्मिलित है। ये लोग चाइना के साथ तो संबंध रखते ही हैं, लेकिन साथ में ये इनफॉर्मल रूप से ताइवान का भी समर्थन करते रहते हैं। और ब्लू कलर में वे देश हैं जो कि चाइना के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख रहे हैं आज की डेट में, यह सिर्फ ताइवान के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं, और ऐसे 14 देश हैं पूरे विश्व में। शी जिनपिंग कहते हैं कि ताइवान मस्ट बी एंड विल बी रियूनाइटेड विथ चाइना, ताइवान को चाइना के साथ में रियूनाइट होना ही पड़ेगा, और वह इसे ग्रेट रियूनिफिकेशन ऑफ चाइनीज नेशन का नाम देते हैं। और ये चाइनीज रियूनिफिकेशन 2049 से पहले शी जिनपिंग करना चाहते हैं। और ये 2049 क्यों डेडलाइन रखे हैं, क्योंकि 2049 पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का 100वां एनिवर्सरी होगा, 100th एनिवर्सरी ऑफ पीपल रिपब्लिक चाइना इन 2049। सी वॉन्ट्स टू डू वाट माओ कुड नॉट, वाट नाइदर डेंग ज़ियाओपिंग नॉर हू जिनताओ कुड डू, जो ना तो माओ जेदांग कर सके, ना डेंग ज़ियाओपिंग, ना हू जिनताओ कर सके, वह सी जिनपिंग करना चाहते हैं, और वह यह कर चाइना के ग्रेटेस्ट लीडर इवर बनना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें ताइवान को एनेक्स करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि उनके बेसिस क्या है आज की डेट में, मतलब चाइना के क्या किस बेसिस पे ताइवान को क्लेम करता है। एक तो हिस्टोरिकल बेसिस है, वहाँ पे चाइना के शासक शासन करते थे। दूसरा है 1992 कंसेंसस, जो कि इसको ज़्यादा माना जा सकता था अगर यह वर्बल ना होता, लेकिन यह कोई रियल कंसेंसस नहीं है, यह एक वर्बल कंसेंसस था 1992 दो दो शासकों के बीच में, लिखित नहीं था। लेकिन क्या ताइवान के पास्ट के लिए उसके ताइवान के फ्यूचर को विक्टिम बनाना चाहिए। आज की डेट में आप देखते होंगे ताइवान एक डायनेमिक सोसाइटी है। ताइवान में दुनिया का पहला ट्रांसजेंडर कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाया गया, ताइवान में सेम सेक्स को लीगलाइज कर दिया गया, और तो और यह विश्व की टॉप मोस्ट 8th डेमोक्रेसी है, दुनिया की 8वीं सबसे ज़्यादा लोकप्रिय डेमोक्रेसी है ताइवान की 2021 के आंकड़ों के मुताबिक। ताइवान के 62% लोग खुद को ताइवानीज के रूप में पसंद करते हैं, ताइवानीज कहलवाना पसंद करते हैं। ओनली 3% कंसीडर देमसेल्व्स एज चाइनीज। आज ताइवान की खुद की सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, ताइवान एक खुद के लिए स्टेब्लिश हो चुका है। वहाँ के टोटल 5.2% लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ओनली 1.3% रीयूनिफिकेशन चाहते हैं कि हम चाइना के साथ रीयूनाइट हो जाएं, और 93.5% यानी मोस्टली लोग चाहते हैं कि स्टेटस को मेंटेन रहे। स्टेटस को का मतलब जैसी पोजीशन है वैसी, बीजिंग अपनी जगह पे रहे और ताइपे ही अपनी जगह पे रहे, इनका कोई भी एक दूसरे का एनेक्सेशन ना करें, ये है स्टेटस को। और ऐसा लगभग वहाँ की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन 93.5% लोग चाहते हैं। ये था ताइवान
चाइना ताइवान का कन्फ्लिक्ट या उसके बीच में जो भी डिस्कशन चल रहा है उसका था। वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।